अचार कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया गया है कि वह दीपावली वाले दिन बाइक से अपने घर जा रहा था। विदिशा से पहले धतूरिया गांव के पास उसकी बाइक से मवेशी टकरा गए। हादसे में घायल युवक को भोपाल के ग्रीन सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार की देर रात उसने दम तोड़ दिया। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मंगलवार को युवक के शव का पीएम हुआ। पुलिस के मुताबिक विदिशा निवासी नितेश कुशवाहा पुत्र तुलसीदास कुशवाहा खजूरी सड़क इलाके में संचालित अचार फैक्ट्री में जॉब करता था। 24 अक्टूबर को दीपावली के दिन बाइक से ही वह अपने घर जा रहा था। धतूरिया गांव विदिशा तक वह पहुंचा ही था कि सड़क पर अचानक मवेशी आ गया, जिससे वह बाइक समेत गिर गया। राहगीर उसे पास स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया। हालात ठीक नहीं होने पर 25 अक्टूबर को परिजन उसे लेकर ग्रीन सिटी अस्पताल गए। सोमवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि नितेश खजूरी सड़क स्थित अचार की कंपनी में काम करता था। 2009 में उसकी शादी हुई थी। 2 बच्चे हैं, 1 3 साल की लड़की है और 1 5 साल का लड़का। पिता और बड़ा भाई विदिशा में रहते हैं। नितेश पर ही घर की जिम्मेदारी थी। नितेश के पिता तुलसीदास कुशवाहा ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि अस्पताल ने बेटे की मृत्यु के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा। जब उसके हाथ पैर फूलने लगे तो हमने डॉक्टर से पूछा। इसके बाद बेटे को वेंटिलेटर से निकाल कर मृत घोषित कर दिया, जबकि बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी। इलाज में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया